हेलो दोस्तों, जायका वितंजो में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए व्रत में खाए जाने वाले दही बड़े की रेसिपी। दही बड़े आपने व्रत में बहुत तरीके के खाए होंगे। कुछ आलू डाल के बनाते हैं, कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। आप मेरी तरह बनाइए, आपको बहुत सॉफ्ट और बहुत यम्मी दही बड़े लगेंगे। ये मैंने आधा कप कूटू का आटा लिया है। ये वाइट वाला आटा है जो कूटू के वाइट बीज का होता है। ये मैंने वो लिया, आप कोई सा भी ले सकते हो कूटू का आटा। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है जो व्रत में खाते हैं। और मैंने इसमें 1/3 कप पानी लिया है और मैं पानी को थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और इसको मैं फेंटती जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है इसमें और इसको फेंटते जाना है। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक ये थोड़ा सा प्लफी भी हो जाएगा और ये जैसे हम दाल का जो बैटर था उसको फेंटते थे बिल्कुल इसको वैसे ही करना है। अभी आप देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, ये अभी बिल्कुल नहीं फिटा है। जब तक ये ऊपर तैरेगा नहीं तब तक हमारा ये बैटर फिट के तैयार नहीं है, तो हमें इसे तब तक फेंटना है। कुछ लोग इस समय इसमें आलू उबले हुए डालते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। अब आप देखिए मैं ये बैटर बिल्कुल ऊपर को तैरने लगा है, मतलब हमारा ये बैटर बिल्कुल फिट के तैयार हो गया है। तो आप इस तरह से दही बड़े बनाइए, आपको बिल्कुल जैसे दाल के दही बड़े हैं वैसे लगेंगे ये। अब ये कि मैंने ऑयल गैस पे चढ़ा दिया था, मीडियम मैंने इस समय गैस कर रखी है। आप छोटे छोटे डालिए इसके अंदर दही बड़े, क्योंकि ये बाद में फूल कर बड़े भी हो जाते हैं। तो आप छोटे छोटे डालिए, चाहे बड़े बड़े बनाइए, जैसा साइज आप चाह रहे हैं। बस इसको इस तरीके से बनाइए। हम जो आलू डाल के बनाते हैं उसमें तेल ज़्यादा पीने का डर रहता है, तो आप इस तरह से बनाएंगे आपको बिल्कुल दही बड़े वाला टेस्ट आएगा। तो आप इसको बिल्कुल मीडियम गैस पे जब तक ये अंदर से तक ना सिक जाए तब तक इसको सेकते रहिए, नहीं तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप बस सेकते वक्त ही कुछ ध्यान रखना है हमें। ये बहुत जल्दी बनने वाला आइटम है, झटपट अगर आपके यहाँ कोई आया है तो आप किसी को भी फटाफट बना के दे सकते हो। आप इनको तल के फ्रिज में भी रख सकते हो। फ्रिज में रख के अगर 9 दिन में बीच में आपके घर कोई आ रहा है व्रत वाला तो आप गर्म पानी में डालिए और हल्के हाथ से निचोड़िए और ये बिल्कुल फ्रेश बन के तैयार हो जाएंगे। आप इस तरीके से सारे दही बड़े तल के निकाल लीजिए। अब एक भगोने में पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और अपने दही बड़ों को 10 मिनट के लिए भिगो के रख दीजिए। 10 मिनट के बाद देखिए आप ये फूल के बड़े हो गए हैं। अब इनको हल्के हल्के हाथ से निचोड़ लीजिए। आपको जितने एक बार में लगाने उतने लगाइए और बाकी आप उठा के रख सकते हो। तो अभी अब मैं एक प्लेट आपको लगा के दिखा रही हूँ। इसमें मैंने फेंटा हुआ दही डाल दिया, मैंने अच्छे से दही को फेंट लिया था। अब मैंने ये व्रत में खाने वाला मसाला दही बड़े का बना लिया था वो डाल दिया है, और ये मैंने मीठी वाली चटनी डाल दी है, और ये हरी चटनी है। मीठी चटनी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। और ये मैंने थोड़े से अनार के दाने डाल दिए हैं। मीठी चटनी में अगर आप जो चीज़ नहीं खाते हैं व्रत में उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, और जो खाते हैं वो डाल सकते हैं। तो ऐसे दही बड़े की रेसिपी आप अपने घर में ज़रूर बनाइए और फटाफट व्रत में इस तरह के खाने का एंजॉय कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉच।